प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। इसके चलते बुरहानपुर जिले में भी शीतलहर का प्रकोप देखा गया। ठिठुरते ठंड में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहरवासी लोगों का कहना है कि बुरहानपुर में कश्मीर जैसा एहसास हो रहा है। 10 बजे तक लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शहर की दुकानें भी नहीं खुल रही हैं। आज इसलिए तो आप भैया कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है अपने यहाँ पे बुरहानपुर के अंदर, और काफ़ी ठंड पड़ने की वजह से बहुत सर्दी भी फैल रही है। कश्मीर जैसा माहौल हो गया है। इतने टाइम के अंदर आज तक की ऐसी ठंड नहीं पड़ी है जल्दी जितने अभी पड़ी है। सूरज निकलने का आनंद ले रहा है। बहुत शीतलहर चल रही है। दिन के 10-10, 11-11 बजे तक के हमारे को जो है हाथ तापना पड़ रहे हैं। कश्मीर की याद आ रही है। हमारे को भी ऐसी ठंड पड़ रही है बुरहानपुर जिले के अंदर। हाथ सर इसलिए तापना पड़ रहे की या शीतलहर बहुत ज्यादा है, ठंड ज्यादा लग रही है। तो क्या क्या महसूस कर रहे हो आप? महसूस ऐसा लग रहा है सर जैसे बुरहानपुर शहर में तो रहते जरूर है, लेकिन ये शिमला का माहौल बना हुआ है। जैसे कि शिमला के अंदर रह रहे हैं हम। काफ़ी समय बाद बुरहानपुर शहर में शीतलहर का वातावरण निर्मित हुआ है, और इस शीतलहर के अवसर पर हमारे किसानों को जहां फायदा होगा, गेहूं चने की फसल अच्छी आएगी, वही हमारे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। और ये शीतलहर मकर संक्रांति तक रहेगी, और सभी से यही निवेदन करूँगा तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।